मित्रों, ज्ञान मंदिर ऑनलाइन स्कूल के YouTube चैनल में आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं मीर व्यास, आज हम स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 1 जो नया है बोध, इसके लेखक है प्रेमचंद जी, साहित्य प्रकार है कथा, उसका हम अभ्यास करेंगे। तो कृपया आप अपना पेरिविंकल पाठ्यपुस्तक निकाले और पेज नंबर 52 पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम पेज नंबर 55 पर दिए हुए लेखक का परिचय वो प्राप्त करेंगे कि हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक एवं कहानी के सम्राट प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस के पास एक गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अरबी और फारसी में हुई। इनका बचपन अभाव में बहुत बीता। जैसे तैसे उन्होंने बीए तक की पढ़ाई पूरी की। 8 अक्टूबर सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन व प्रेमाश्रम इनके प्रमुख उपन्यास है। उनकी 300 से अधिक कहानियां मानसरोवर 8 भागों में संग्रहित है। तो सबसे पहले हम बोध जो कथा है उसका, उस कहानी का संक्षेप में परिचय प्राप्त करते हैं। आप पेज नंबर 52 पर दिए हुए कहानी के परिचय में ध्यान दीजिए। प्रस्तुत कहानी के लेखक कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद है। इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी हुई है जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित की गई है। कहानियों का कथानक मध्यम वर्ग के जीवन के समस्याओं से जुड़ा हुआ है। इस कहानी में बताया गया है कि एक शिक्षक अपने परिश्रम व ईमानदारी से जितना कमाता है वह भौतिक जगत में अत्यंत शूद्र है, किंतु समाज में शिक्षक का जो सम्मान है उनके आगे भौतिक जीवन के आकर्षण फीके पड़ जाते हैं। शूद्र यानी सामान्य। तो आगे बढ़ते हैं बोध कहानी। पंडित चंद्रधर एक स्कूल में अध्यापक थे। नौकरी तो कर ली पर सदा पछताया करते थे कि कहां मैं फंस गया। यदि कहीं और नौकरी करते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते और आराम से अपना जीवन व्यतीत करते। व्यतीत करना यानी बिताना, आराम से जीवन बिताते। यहां तो महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद कहीं 15 रुपये देखने को मिलते हैं। उसकी तनख्वाह महीने की 15 रुपये थी उस समय की। वे भी इधर आए और उधर गायब हो गए। न खाने का सुख और न पहनने का आराम। जो पंडित चंद्रधर एक स्कूल में शिक्षक यानी अध्यापक थे, उन्होंने नौकरी तो कर ली पर सदा वह इस बात से पछताया करते थे कि कहां मैं फंस गया। यदि कहीं और नौकरी करते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते और आराम से अपना जीवन बिताते। यहां तो महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद कहीं 15 रुपये देखने को मिलते हैं। वे भी इधर आए और उधर गायब हो गए। यानी महीना 1 से 5 तारीख तक ऐसे आए और चले गए। न खाने का सुख और न पहनने का आराम। पंडित जी के पड़ोस में 2 महाशय और रहते थे। एक का नाम था अतिबल सिंह, वे थाने में हेड कांस्टेबल था। दूसरे मुंशी वैजनाथ, वे तहसील में यानी संग्रह करने का स्थान में सिया हैनविश थे। सिया हैनविश यानी आज्ञाएं लिखने वाले, बराबर सिया हैनविश आज्ञाएं लिखने वाले। दोनों आदमियों का वेतन पंडित जी से अधिक नहीं था, तब भी उनकी जिंदगी चैन की और सुखमय थी। चैन यानी शांति, बराबर। संध्या को वे कचहरी से आते, बच्चों को पैसे व मिठाई देते। दोनों के पास नौकर चाकर भी थे। घर में कुर्सियां, मेज, गालीचे आदि सब कुछ था। सारे मोहल्ले में उनका रोब था, रोब इज्जत। उन दोनों महाशयों को आते जाते देखकर बनिए उठकर उनको सलाम करते थे। बनिए यानी व्यापारी। 4 पैसे की चीज एक में लाते, लकड़ी ईंधन उसे मुफ्त मिलता। पंडित जी
उनके ठाट बाट देकर उड़ते और अपने भाग्य तो पछताते रहते थे और अपने भाग्य पर पछताते रहते थे। दोनों पंडित जी को कभी आटा कभी दूध और कभी सब्जी भेज देते। पंडित जी को उनके दोनों लड़कों को पढ़ाना पड़ता। कभी कभी वे पंडित जी से कुछ कह भी देते और पंडित जी मन मान कर कह जाते थे। उन्हीं के कारण कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते थे। इसलिए बेचारे अपमान का जहर अमृत समझकर पी जाते थे। इस सब से निकलने के लिए उन्होंने एक प्रार्थना पत्र लिखे, अवसरों की खुशामदी की और कुछ न हुआ। तो पंडित जी के पड़ोस में दो महाशय रहते थे, एक का नाम था ठाकुर रतुपाल जी जो थाने में हैंड कॉन्स्टेबल था, दूसरे मुंशी वैजनाथ थे, वह एक तहसील यानी संग्रह स्थान में आज्ञाएं लिखने वाले सिया हेमविश थे। दोनों आदमियों का वेतन पंडित जी से भी अधिक नहीं था, तभी उनकी जिंदगी शांति से और सुख से बीतती थी। संध्या को वे कचहरी से वापस आते, बच्चों को पैसे और मिठाई देते। दोनों के पास काफी नौकर चाकर भी थे, घर में कुर्सी या मेज गालीचे आदि सब कुछ था। सारे मोहल्ले में उनका रोग था। उन दोनों महाशय को आते जाते देखकर बनिए यानी व्यापारी उठकर उसको सलाम करते, चार पैसे की चीज एक रुपये मिला, लकड़ी ईंधन मुफ्त मिलता। पंडित जी उनके ठाट बाट देकर बहुत कुटते थे और अपने भाग्य को कोसते रहते थे, पछताते रहते थे। दोनों पंडित जी को कभी आटा कभी दूध और सब्जी भेजते थे, उसके बदले में पंडित जी को उनके दोनों लड़कों को पटाना पड़ता था। कभी कभी वे पंडित जी से कुछ कह भी देते और पंडित जी मन मार कर रह जाते। उन्हीं के कारण कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते थे। इसलिए बेचारे अपमान का जहर अमृत समझ कर पी जाते थे। इन सबसे निकलने के लिए उन्होंने प्रार्थना पत्र लिखे, अवसरों की खुशामते की पर कुछ न हुआ। अंत में हार कर बैठ गए। इतना सब होने पर भी ठीक समय पर पाठशाला पहुंचते, देर तक काम करके मन लगाकर पढ़ाते। उससे उनके अफसर लोग खुश थे, साल में कुछ इनाम देते और वेतन बढ़ाने का जब भी अवसर आता उनका विशेष ध्यान रखते। बस्ती के लोग उनसे बहुत संतुष्ट थे। पेज नंबर 53 पर पाठशाला में छात्रों की संख्या बढ़ गई थी। पाठशाला के लड़के भी उन पर ध्यान देते थे। कोई आकर घर पर पानी भर देता और कोई उनके बकरियों के लिए पत्तियां तोड़ लाता और उसे खिलाता। पंडित जी इसी को बहुत समझते थे। एक बार सावन का महीना था और सावन के महीने में मुंशी वैजनाथ और ठाकुर रतुपाल सिंह ने अपने परिवार सहित अयोध्या यात्रा करने की सलाह की। पंडित जी को भी साथ चलने के लिए कहा, पंडित जी ने मना कर दिया। परंतु जब उन लोगों ने खर्च देने की बात की तो पंडित जी इनकार न कर सके। बिलोर से रात को 1 बजे गाड़ी छूटने वाली थी। ये लोग खाना खाकर और खा पीकर स्टेशन पर जाकर बैठ गए। जिस समय गाड़ी आई चारों ओर भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे, दौड़ने लगे, हजारों यात्री जा रहे थे। इसी उतावलपन में मुंशी जी पहले निकल गए, उतावलपन में जल्दबाजी। पंडित जी और ठाकुर साहब साथ थे, वे एक डिब्बे में बैठे। जगह की बड़ी कमी थी, परंतु जिस डिब्बे में ठाकुर साहब बैठना चाहते थे उसमें केवल 4 ही यात्री थे। ठाकुर साहब ने डाककर एक मुसाफिर को उठने के लिए कहा तो वह बोला, यह थाना नहीं है, जरा जबान संभाल कर बात करो। ठाकुर, तुम कौन हो जी? मुसाफिर, हम वही है जिस पर आपने जासूसी का अपराध लगाया था और जिससे आप 25 रुपये लेकर तल्ले चल गए थे और आपने छोड़ दिया था। इतने में दूसरा लेटा हुआ आदमी जोर से ठाका मारकर हंसा और बोला, अरे दरोगा साहब, आप ही नीचे क्यों नहीं बैठ जाते? यह थाना थोड़ी ही है कि आपके राज में फर्क पड़ जाएगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी, ठाकुर साहब ने कहा। दूसरा मुसाफिर, आपने मेरी सूरत भले न देखी हो पर आपके डंडे ने देखी है।
इसी गांव के मेले में आपने मुझे बिना बात डंडा लगाया था, उस आदमी ने कहा कि बिना कोई बात की आपने डंडे लगाए। पेज नंबर 54 पर दो बाद में पहले 53 पर कहा कि पाठशालाओं में बहुत से छात्रों की संख्या बढ़ गई, पाठशाला के लड़के उन पर अपनी ध्यान देते थे पंडित जी पर, कोई आकर घर पर पानी भर देता, कोई उनकी बकरियों को ले पत्ता तोड़कर उसे खिलाता, पंडित जी इसी को अपना मान सम्मान समझते थे। एक बार सावन का महीना आया और मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने अपने परिवार के साथ अयोध्या यात्रा करने की सलाह दी। पंडित जी को साथ चलने के लिए कहा, पंडित जी ने मना कर दिया, परंतु जब उन दोनों ने खर्च उठा लेने की बात की तो पंडित जी इनकार ना कर सके। बिलोर से रात को 1 बजे उसकी गाड़ी छूटने वाली थी, लोग काफी पर स्टेशन पर आ गए। जिस समय गाड़ी आई चारों ओर गाड़ी में चढ़ने के लिए भगदड़ मच गई, इधर उधर हजारों यात्री उस गाड़ी में जा रहे थे, दौड़कर गाड़ी में बैठ गए। इसी उतावल पर में मुंशी जी पहले निकल गए, पंडित जी और ठाकुर साहब साथ थे, वे एक डिब्बे में बैठे, जगह की बहुत कमी थी, परंतु जिस डिब्बे में ठाकुर साहब बैठना चाहते थे उसमें केवल 4 यात्री थे। ठाकुर साहब ने डांट कर एक मुसाफिर को उठने के लिए कहा तो वह बोला, यह खाना नहीं है, जरा संभल कर बात करो। ठाकुर बोला, तुम कौन हो जी? मुसाफिर वही है जिस पर आपने जासूसी का अपराध लगाया था और उसके बदले में 25 रुपये डालकर मुझे वापस मेरी बात टाल दीजिए। इतने में दूसरा लेटा हुआ आदमी जोर से ठहाका, हंसा और बोला, अरे दरोगा साहब, आप ही नीचे क्यों नहीं बैठ जाते? यहाँ थाना थोड़ी है कि आपके राज में फर्क पड़ जाएगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो तुम्हारी सूरत भी कभी नहीं देखी, ठाकुर साहब ने ऐसा कहा। दूसरा आदमी फिर बोला, आपने मेरी सूरत भले ही देखी ना हो पर आपके डंडे ने देखी है। इस गांव में जो मेला लगा था तो आपने बिना कोई बात किए मुझे डंडा लगाया था, उसे वह बात याद थी। पेज नंबर 54। यह कहकर उसने और भी पांव फैला दिए। पंडित जी अब चुपचाप खड़े थे, डरते थे कहीं मारपीट न हो जाए। अवसर पाकर ठाकुर साहब को समझाया। जो ही तीसरा स्टेशन आया, ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहां से निकालकर दूसरे डब्बे में बिठा लिया। इधर दोनों मुसाफिरों ने उनका सामान उठाकर फेंक दिया। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उन्होंने उनको ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। गार्ड से कहने दौड़े थे कि इंजन ने सीटी दी, क्या करते, जाकर गाड़ी में बैठ गए। तो यह कहकर उसने और भी पांव फैला दिया। पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे, डरते थे कि कहीं मारपीट न हो जाए, लेकिन मौका पाकर ठाकुर साहब ने उनको समझाया। जो ही तीसरा स्टेशन आया, ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहां से निकालकर दूसरे डब्बे में बिठा दिया। इधर दोनों मुसाफिरों ने उनका सामान उठाकर फेंक दिया। जब ठाकुर साहब गाड़ी से नीचे उतरने लगे तो उन्होंने उनको ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। गार्ड से कहने दौड़े कि इंजन ने सीटी दी, क्या करते, जाकर गाड़ी में बैठ गए। उधर मुंशी बैजनाथ के पास पैर फैलाने तक की जगह नहीं थी, उनकी तबीयत एकाएक खराब हो गई। एक बार उनको उल्टी हुई और पेट में मरोड़ पड़ने लगी। लखनऊ तक उन्होंने किसी तरह सहन किया, आगे चलकर मजबूर हो गए। उनकी पत्नी भी घबरा गई, बच्चों को लेकर उतर पड़ी, सामान उतारा, परंतु जल्दी में ट्रंक उतारना भूल गई। अपना ट्रंक ले गाड़ी चल दी। दरोगा जी ने अपने मित्र को इस दशा में देखा तो वे भी उतर पड़े। स्टेशन मास्टर ने यह हाल देखा तो समझे उसको हेजाइनी कोलेरा हो गया है। हुक्म दिया, रोगी को अभी बाहर ले जाओ। मजबूर होकर सब लोग मुंशी जी को बाहर एक पेड़ के नीचे ले आए। उनकी पत्नी रोने लगी। हकीम डॉक्टर की तलाश हुई, पता लगा पास ही एक छोटा सा अस्पताल है। उन लोगों की जान में जान आई। किसी से यह भी मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब बिल्लौर के रहने वाले हैं। उसका ठाठस बढ़ा यानी हिम्मत बढ़ाई।
फटक बनाना यानी हिम्मत बनाना मुहावरा है। दरोगा जी मुंशी जी को लेकर अस्पताल दौड़े। डॉक्टर का नाम था चोखे लाल, कंपाउंडर था, लोग आदर से डॉक्टर कहा करते थे। उन्हें देखकर वैद्यनाथ धीरे से बोले, अरे ये तो बिल्लोर के ही है, भला सा नाम है, तहसील में आया जाया करते थे। तहसील यानी संग्रह करने का स्थान, जहां संग्रहित वस्तु है, संग्रहालय। क्यों महाशय मुझे पहचानते हो चोखेलाल? जी हाँ खूब पहचानता हूँ, जब मैं तहसील में लगान भरने जाता हूँ तो डांट कर आप अपना हक वसूल कर लेते हैं, लगान वेरो, उस समय लगान बोलते हो, हम उसे वेरा बोलते हैं। न दू तो टैक्स कहवाएगा टैक्स, न दू तो शाम तक खड़ा रहते थे, अब मेरी फीस के 10 रुपये निकालिए, दवा ले चलते बनिए। दरोगा जी 10 रुपये, चोखेलाल यहाँ और यहाँ ठहरना चाहे तो 10 रुपये रोज। दरोगा जी ने वैद्यनाथ की पत्नी से 10 रुपये मांगे, तब उन्हें बख्शे की याद आई, वह तो गाड़ी में ही छूट गया था। उन्हें छाटी पीट ली यानी अत्यंत दुख होना मुहावरा। दरोगा जी के पास भी अधिक रुपये नहीं थे, इसी तरह 10 रुपये निकालकर चोखेलाल को दिए। उन्होंने दवाई दी, दिन भर में कुछ फायदा न हुआ, रात को उसकी हालत थोड़ी अच्छी हुई, संभली। दूसरे दिन फिर दवा लेने के लिए मुंशियाइन यानी उनकी पत्नी का एक गहना बाजार में बेचा गया। शाम तक मुंशी जी की हालत सुधर गई, तब रात को गाड़ी में वह बैठ पाए। पेज नंबर 55 आए, अब अयोध्या पहुंच गए और अयोध्या पहुंचकर कहीं ठहरने की जगह न मिली रहने के लिए, इतनी भीड़ थी वहां। तब एक साफ जगह देकर बिस्तर वहां पे बिछाया गया। इतने में पानी की बूंदे ऊपर से गिरने लगी, आकाश में बिजली चमकने लगी और बच्चे भी रोने लगे। सब परेशान थे कि कहां जाए हम। अचानक एक मनुष्य नदी की तरफ से लाल टेन लिए आता हुआ दिखाई दिया। पंडित जी के पास जाकर बोला, क्यों भाई साहब, यहां कहीं यात्रियों के ठहरने के लिए जगह मिलेगी? उसने पंडित जी को ध्यान से देखा और झुककर पैर छूते हुए बोला, पंडित जी के पैर छुए, वो उसका विद्यार्थी था। देखो शिक्षक होना एक अच्छी बात है, कितने दिनों बाद वो आदमी उसे मिला और देखकर जैसे ही उसका चेहरा पंडित जी का देखा, उसने देखकर उसके पैर छुए, गुरु जी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका कृपा शंकर, आपका पुराना शिष्य। पंडित जी की रुति जाग उठी, उसे याद आया, बोले, ओहो तुम कृपा शंकर हो, तब तो तुम बहुत दुबले पतले लड़के थे, कोई 8-9 साल के रहे होंगे। उपाशंकर बोला, जी हाँ 9 साल का था, मैंने वहां से आकर इंटरमीडिएट परीक्षा पास किया, अब यहाँ सरकारी नौकरी में हूँ। कहिए आप तो अच्छी तरह से है ना, सौभाग्य है कि मुझे आप जैसे गुरु का दर्शन हुआ। तो बच्चों हमें जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं वो और जो भी बोलते हैं अच्छे के लिए बोलते हैं। देखो कितने सालों बाद एक उपाशंकर पंडित जी के दर्शन हुए और पंडित जी के पास वह बढ़ा था, उसके पास से उसने ज्ञान लिया था, तभी और इंटरमीडिएट परीक्षा पास करके उसको सरकारी नौकरी मिली। उसका एहसास हुआ कि पंडित जी जब हमारे टीचर थे, शिक्षक थे, हमें डांटते थे, तो वो हमारे अच्छे के लिए कह रहे थे, बुरे के लिए नहीं। आज हम लोग भी आपको डांटते हैं तो आपको बुरा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो हम उसे रोकते हैं, हम सब लोग, सभी टीचर, तो आपको अच्छा समझना चाहिए और उसका बुरा नहीं लगाना चाहिए। हमारे टीचर हमें जो बताते हो अच्छे के लिए कहते हैं, वो बात हमें समझनी चाहिए, जो आगे चलकर इस कृपा संग्रह की तरह आपको भी काम आएगा। आप कोई आईएएस ऑफिसर बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, तभी आपको पता चलेगा कि हमारे शिक्षक हमें जो डांटते थे वो हमारे भले के लिए डांटते थे, कि हम जीवन में आगे बढ़े और हमारे अच्छे दिन आए। इसलिए हम लोग आपको डांटते हैं कि आप पढ़ लिख कर
एक अच्छे आदमी बने और एक उच्च पद पर आईएएस ऑफिसर बनकर आप अपना जीवन सफल बनाए। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, हम डांटते तो आप बुरा मत लगाए, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई आपको आगे ही काम आने वाली है, जैसे इस कृपा सुंदर को काम आई। और कैसे वह पहचान गया अपने शिक्षक को, अपने अध्यापक को, पंडित जी को, और तुरंत ही उसने उसके पैर छुए। आजकल तो हम रोड पे निकलते हैं तो अपने टीचर को देखते हैं तो कोई, अपने शिक्षक को देख लेता है तो कोई स्टूडेंट उसे देखकर छिप जाता है। ऐसा करना नहीं चाहिए। शिक्षकों का, अध्यापकों का, हमारे गुरुओं का हमें आदर और सम्मान करना चाहिए। ये हमेशा बात याद रखिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो जीवन के अंदर हमें आगे बढ़ने में तीन लोगों का बहुत महत्व होता है। कौन? पहले भगवान, फिर माता पिता, और तीसरा नंबर आता है हमारे गुरु यानी शिक्षक का। इन तीनों को हमें जीवन में कभी भूलना नहीं चाहिए, बरोबर। एक भगवान परमात्मा, इष्ट देव, दूसरा हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है, पाल पोष कर बड़ा किया, तीसरा शिक्षक गुरु जिसके पास हम पढ़कर आगे बढ़े हैं। ये मेरी आप लोगों से खास विनती है, इस लेसन में आया जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन दोनों तीन लोगों का बहुत ही महत्व है, कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। इसलिए गुरुओं का हमें अपमान नहीं करना चाहिए, उन्हें देखकर हमें छिप जाना नहीं चाहिए, उसे मिलने के लिए जाना चाहिए और उसे चरण छूने चाहिए, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसने ही हमारे पीछे मेहनत की है, उसने ही हमें अच्छी सलाहें दी है, अच्छा ज्ञान दिया है। तो अच्छे ज्ञान देने वाले को, अच्छे संस्कार देने वाले को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। तो आप सब भी अपने जीवन में आगे बढ़े इस कृपा संगर की तरह, और जहां कहीं भी जीवन में आप कभी कितने भी बड़े हो, ऐसे कोई आपको पढ़ाने वाले शिक्षक मिल जाए तो उसे मुंह मत मोड़ लेना, उसके पास जाकर उसके पैर छूना, उसके चरण छूना, क्योंकि जीवन में उसी ने आपको आगे बढ़ाया है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस गुरु ने हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर यानी नर्सरी से लेकर टेंथ तक, इलेवन ट्वेल्थ तक कॉलेज में पढ़ाया हो, और जो भी हमारे गुरु जी है उन सभी को हमें भूलना नहीं चाहिए। तो आप भी ऐसा करेंगे और जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। तो कृपा संगर, जी हाँ, 9 साल का था मैंने वहां से आकर इंटरमीडिएट परीक्षा पास की। अब यहाँ सरकारी नौकरी में हूँ। कहिए, आप तो अच्छी तरह से हैं। सौभाग्य है मेरा कि आपके दर्शन हो गए। जो कितना सौभाग्य है, तो मेरा अच्छा भाग्य है कि आप जैसे गुरु के दर्शन हो गए। ठहरने की चिंता न कीजिए, आप मेरे घर चलिए, उसको अपने घर ले गया हो। आजकल के लोग शर्माते हैं अपने गुरु जी को अपने घर ले जाकर। ओ गुरु जी को अतिथि देवो भव, अतिथि का हमें सम्मान करना चाहिए। पंडित जी नहीं, मेरे साथ दरोगा जी और शिया हेनवीस साहब और उनके बाल बच्चे भी है। पंडित जी कहते नहीं नहीं, मेरे साथ एक दरोगा जी भी है, शिया संग्रहालय में आज्ञाएं लिखने वाले अधिकारी और उनके बीबी बच्चे भी है। उपाशंकर बोला, गुरु जी आप सबको साथ ले चलिए। दो शिक्षक का कितना मान सम्मान होता है, उस दरोगा का किसी ने मान सम्मान नहीं किया। क्यों? उसने किसी के पास रिश्वत ली थी, उसके साथ जो बैठे थे यात्री, और उन लोगों ने अपने मन में रखी वो बात, और उनको बैठने के लिए जगह भी नहीं मिली, मान सम्मान भी नहीं मिला, क्योंकि उसने अच्छा काम नहीं किया था। शिक्षक की पदवी हो, अच्छे काम वाली होती है। आज इसी पंडित जी ने जिस शिष्य को बढ़ाया था वो अयोध्या में एक सरकारी नौकरी में है, और उसको अपने घर पे ले गया, उसका मान सम्मान बढ़ाया। तो कृपाशंकर, गुरु जी सबको साथ ले दीजिए, मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा हुआ है, आराम से 2-4 दिन वहां ठहरिए। मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी सेवा करने का कुछ मुझे अवसर मिला। कृपाशंकर ने कई कुली बुला लिए, सामान उठवाया और सबको अपने मकान पर ले गया। बहुत साफ सुथरा था, स्वच्छता थी,
नौकर ने झटपट चारपाई बिछा दी, पलंग घर में पुरिया पकने लगी। उपाशंकर हाथ बांधे नौकर की तरह दौड़ता था, उसकी सेवा ने सबको मुक्त कर दिया, मन मोह लिया कि ऐसा शिष्य होना चाहिए। और सब लोग खा पी कर सो गए, किंतु चंद्रधर को नींद नहीं आई। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा कि शिक्षक की पदवी कितनी ऊंच होती है, उसका गौरव क्या होता है। उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। ये लोग 3 दिन अयोध्या में रहे, किसी बात का उसे कष्ट नहीं हुआ। उपासंकर ने स्वयं उनके साथ जाकर प्रत्येक धाम के दर्शन कराए सबको। तीसरे दिन में चलने लगे तो वह स्टेशन तक उन्हें पहुंचाने के लिए आया। गाड़ी ने सीटी दी तो उसने सजल नेत्रों से आंसू भरी आंखों से पंडित जी के चरण छुए और कहा, इस सेवक को याद करते रहिएगा। पंडित जी का हृदय भर आया, बहुत खुश हुए, उन्होंने उसे प्रेम से गले लगा लिया। पंडित जी घर पहुंचे तो उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन हो गया था। उन्होंने फिर कभी किसी दूसरे विभाग में जाने की चेष्टा यानी प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि यही एक पदवी है तो हमें मान सम्मान आदर सम्मान और गौरव देती है। पहले उसने दोनों प्रवर मुंशी बैजनाथ और ठाकुर जो थे अतिबल सिंह, उसकी नौकरी देखकर उसको लगा कि कितना उसको भौतिक सुख सुविधा है, लेकिन भौतिक सुख सुविधा हमारे लिए जरूरी नहीं है। हमारे लिए जरूरी है आदर और मान सम्मान। समाज में जीवन में लोगों के द्वारा हमें मान सम्मान मिले वही जरूरी है। पैसे कोई भौतिक वस्तु ज्यादा दिन तक सुख सुविधा देने वाले नहीं है। जिस तरह उपाशंकर जैसा शिष्य ने उसका मान सम्मान बढ़ाया और तभी उसको पता चला कि आज इस शिक्षक का गौरव क्या होता है, आज उस पद की क्या महानता होती है, उसे आज पता चला। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी किसी पद को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। हम जिस पद पर भी आसीन है उसी पद पर हमें खुश रहकर उसी में तो ईमानदारी से कार्य करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरों की जो सुख सुविधा है, दूसरों के पास जितने भी पैसे हो, वो हमारे लिए कोई काम के नहीं है। और अगर आपके पास पैसे हैं तो उसका सदुपयोग कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, तभी आपका गौरव बढ़ेगा। और विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी से आपको एक बोध मिलता है कि हमें कभी हमारे जो गुरु है, जिन्होंने हमें पढ़ाया है, अच्छा ज्ञान दिया है, अच्छा संस्कार दिया है, उसे कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। ये बात आप आज से सीख लो कि कभी किसी शिक्षक गुरु जिन्होंने हमें फर्स्ट में पढ़ाया हो, सेकंड में पढ़ाया हो, फिफ्थ में पढ़ाया हो, हमारा गुरु ही है, उन्होंने हमें अच्छा ज्ञान दिया है, उसे हमें कभी भूलना चाहिए नहीं। तो यहाँ कुछ शब्दार्थ भी दिए हैं, व्यतीत बिताना शिया एनवी से हल्ला ही लिखने वाला, उतावले तो जल्दबाजी, फर्क तो अंतर, सजल ने तो आंसू भरी आंखें, आठस तो हिम्मत बढ़ाना, परिवर्तन तो बदलाव, चेष्टा तो कोशिश, मुसाफिर तो यात्री, पाठशाला तो विद्यालय। तो ये शब्दार्थ भी आपको नोट डाउन करने हैं और दूसरे लेक्चर में हम इस पाठ का जो अभ्यास कार्य है, प्रश्नोत्तर मौखिक, प्रश्नोत्तर लिखित, वो पूरा अभ्यास कार्य हम सेकेंड लेक्चर में करेंगे। ये इस लेक्चर में आपको होमवर्क में एक कहानी से क्या सीख मिलती है, बराबर होमवर्क में आपको क्या लिखना है, तो इस
क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस प्रश्न का जवाब आपको होमवर्क में करके रखना है। मैंने आपको समझाया क्या सीख मिलती है, तो होमवर्क में करके आपको रखना है। अस्तु, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, लेक्चर 2 में।